जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है, कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। तीन डेक है, तीनों में से लेंगे हम पांच पांच कार्ड। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन की एनर्जी में है, यानी कि अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इसके पास एक बड़ा सा, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी बोरी है जिसमें इसने पैसे वगैरह इकट्ठे करके रखे हुए हैं और ये सोच रही है कि इन पैसों का मैं क्या करूं। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा होने के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि शायद बात कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फैमिली से भी। तो जैसे ये अपनी फैमिली के लिए भी ये पैसा खर्च कर सकती है या फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो वैसे ही आपके पर्सन कुछ कंफ्यूजन में सोच रहे हैं, शायद आपके लिए कोई सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ चैलेंजेस, यानी कि नाइट ऑफ कप है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको ये प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार की वजह से काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी बदल गई है। जैसे यहाँ पे रास्ते में पूरी तरह से फूल खिले हुए हैं, माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा है। वैसे ही जब भी इनके दिलो दिमाग में आता है ख्याल कि ये आपसे मिलने वाले हैं या फिर मिलेंगे, तो एक खुशी की लहर इनके दिलो दिमाग में दौड़ जाती है और शायद इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों ने अगर अब तक डिसाइड नहीं किया है कब मिलना है, तो ये सोच रहे हैं कि कब आएगा वो लम्हा जब ये आपसे मिलेंगे। फिर है जजमेंट, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे इसके ऊपर ये रोशनी पड़ रही है और इसको महसूस हो रहा है कि डिवाइन से इसका कुछ कनेक्शन है। यहाँ पे भी फूल खिले हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से ही आप उनकी ज़िंदगी में आए, यानी कि आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे भी वो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही हैप्पीनेस उनके दिलो दिमाग में वो महसूस कर रहे हैं। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ लोगों के साथ हो सकता है बारिश का इशू चल रहा है, जैसे थोड़ी बहुत जगह पे अभी भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे। वैसे ही कुछ ना कुछ शायद आप दोनों के मिलने के बीच में रुकावटें हैं और ये रुकावटें कब दूर होंगी, कब आप दोनों मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, जज्बात है। यहाँ पे भी फूल खिले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपसे मिलने को लेके तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बेकरार ही है। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। शायद घर में इनकी किसी की थोड़ी बहुत हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, ये इनके खुद के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनके घर में शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनका उनके साथ भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो रहा है। और वहाँ पे भी कुछ गिव एंड टेक करते वक्त इन्हें समझ में आ रहा है कि एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की फिक्र करना, छोटी छोटी बातों में ख्याल रखना, ये ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मैटर करता है। और अगर कभी आपकी बातों से उन्होंने महसूस किया है कि आपके दिल में सच में इनके लिए कितनी ज़्यादा परवाह है, तो ये उसी बात को लेके सोच रहे हैं कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ऐसा पर्सन मिला, और शायद इसी वजह से ये इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है लव इज दैट होल्डिंग यू, तो प्यार जो है
वो किस तरह से एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है। जैसे यहाँ पे भी उनका अपने पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता है और जैसे बचपन से लेके अब तक ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, वैसे ही उनको समझ में आ रहा है कि दिल की डोरी देखी जाए तो कितनी नाजुक होती है लेकिन कितनी मजबूत होती है। तो वैसे ही प्यार के रिश्ते में ये आपके साथ कनेक्टेड हैं और उसी रिश्ते को लेके ये सोच रहे हैं कि ये सच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर लव यू। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, तो ये बातें आपको कहना चाहते हैं या फिर जब आपसे मिलेंगे तो आपसे भी सुनना चाहते हैं, यानी कि इन वर्ड्स को शेयर करना चाहते हैं और उन लम्हों में क्या होगा इसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर है लिसन माय वर्ड्स। तो शायद यही बातें मे बी आपके कानों में विस्पर करके सुनाना चाहते हैं या फिर आपको कुछ सरप्राइज उन्होंने प्लान किया है तो वो क्या है वो अपनी जुबान से बोलना चाहते हैं। फिर है हीलिंग। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस पर्सन की जिंदगी में हीलिंग हुई है, यानी कि पास्ट का कुछ इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो सकता है जो थोड़ा पेनफुल था और जब से आप इनसे कनेक्टेड हुए हैं इनको ऑटोमेटिकली लगने लगा है कि जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ज़िंदगी के अलग नज़रिए को देखने लगे है ये, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा खुशनुमा ज़्यादा रहने लगे हैं। और फाइनल कार्ड है कॉल एएसएपी, यानी कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, शायद आपसे मिलने के लिए कंफर्मेशन चाहते हैं कि जब वो मिलना चाहते हैं क्या उस वक्त आप उनसे मिल सकते हैं, कहाँ पे मिलना है और शायद इन्होंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है तो आपको आइडिया देते बगैर वहाँ पे क्या क्या प्लानिंग करनी है ये भी तो उनको डिसाइड करना है, इसलिए आपसे बातचीत करने को भी ये बेकरार है क्योंकि इनका मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपसे मिल के अपने दिल की बातें शेयर। फिर है आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर दैन लव। जैसा कि मैंने कहा कि शायद घर में किसी की थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे भी इनका ध्यान है, तो शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है जिसकी वजह से ये उतना समय प्यार के रिश्ते के लिए नहीं दे पाते जैसा चाहते हैं, तो शायद आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हालात क्या है। फिर है आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। किसी किसी को थोड़ा बुरा लग रहा है कि पास में शायद कभी आपने इनको कुछ पूछा था और इन्होंने समय नहीं निकाला था या फिर कोई भी ऐसी बात हुई होगी, आपका बर्थडे या फिर कोई ऐसा छोटा सेलिब्रेशन जहाँ पे इनको पहुँचना था लेकिन ये नहीं आ पाए, तो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था या फिर मुझे वो सब करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया। तो ऐसी कोई बात होगी, मे बी आपका बर्थडे मिस किया है या फिर आपने मिलने के लिए पूछा था और ये पहुंच नहीं पाए थे, उसको लेके भी इनको तकलीफ हो रही है और शायद इसलिए भी आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो दिन हो या रात हो ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और जैसा कि हमारा टॉपिक है अगर आपको मिस करते हैं तो उसकी वजह ही क्लियर है, ये दिन रात जो आपके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो रोमांटिक वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपसे रूबरू मिलके सब बातें शेयर करना चाहते हैं। हग्स एंड किसेस की बात तो है ही लेकिन आपके लिए उनके दिलो दिमाग में ऐसे जज्बात हैं जो बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के आ रहे हैं जिस वजह से इनको लग रहा है कि कब मिलूंगा मैं अपने पर्सन से। और फाइनल कार्ड है आई हाइड माय टीयर्स अंडर माय स्माइल। तो इनकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ऐसे दर्द हैं जो ये छुपाते आए हैं और वही शायद बातें ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये हर लम्हे में अगर आपको हद से ज़्यादा मिस करने लगे हैं, अगर रात रात भर ये आपको लेके सोचते रहते हैं और घर में भी कुछ ऐसा माहौल है जिसको ये अकेले डील करते करते थक चुके हैं, तो शायद आपको सच्चे दिल से बताना चाहते हैं कि इन्हें ज़िंदगी में आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर ये सच में आपको इतना ज़्यादा क्यों मिस करते हैं। अब उनके रियल में जज्बात क्या है ये थोड़ा बहुत जानने की हमने कोशिश की, बाकी जो डिटेल्स है वो तो जब वो आपसे मिलेंगे तो बता ही देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए ये आपको इस हद तक मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।